जाडी के नाइशोहशम refutes the news of Niyamiya Bharta. Working president of Jadike Naisho Hasham, the Dimasa body Ranjalal Hakmasa refuted the news of one Digant Das published in Niyamiya Bharta relating to presenting situation in Dimasao, as his report was totally baseless and maliciously aimed to create disharmony among the populace of the district. Niyamiya Bharta bolke ek क्या बोले इसका न्यूज़पेपर है. इस न्यूज़पेपर में दिगांतो दास बोल के एक रिपोर्टर ने लिखा है कि हमारे दिमाहासों में 19 जनजाति हमेशा उनके साथ में बात होता है कि यहाँ का जो प्रशासन, जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटर व सीएम साहब व देवलाल गोल्लोसा अच्छी काम नहीं करता है, उसके ऊपर में बहुत एलिगेशन है. एसएमआईपी ये नियमिया वार्ता न्यूज़पेपर में निकला है. इसमें हम लोग दिगंतो दास को भी मालूम नहीं है और उसके साथ हम लोग बात करने का कोई बात भी नहीं है. और हमारे जो जनजाति यहाँ में जो 19 नहीं है, हम लोग को खाली 13 है. 13 को बीच में से हम लोग कभी भी हमारा ख्याल से कोई भी दिगंतों के साथ में बात नहीं होता है, क्योंकि दिगंतों को हम लोग मालूम ही नहीं है. पहले था, बच्चे का टाइम था शायद, लेकिन 10-15 साल से यहाँ पे नहीं है. तो उस हिसाब से यहाँ का जो वातावरण जो है, यहाँ काउंसिल व यहाँ का दिमाग बारे में और दिगंतो जो दास बोल के जो आदमी है, रिपोर्टर है, वो कैसे जानता है कि यहाँ का डेवलपमेंट होना नहीं होना, यहाँ का वातावरण क्या है नहीं है, गांव में डेवलपमेंट होता कि नहीं होता, उसको पता होने के बाद भी नहीं है. क्योंकि मेरे ख्याल से जानकारी के मुताबिक सुना है कि वो बाहर का आदमी है. जो भी करेगा हम लोग ही करेगा. हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग कोई किसी के बात, हम लोग समाज के हिसाब से काम करता है. इसमें दिगंतो दास जैसे लिखा है कि वो पॉलिटिशियन के जैसा लिखा है, वो पत्रिका जो लिखता है न्यूज़पेपर के हिसाब से नहीं लिखा है, वो पॉलिटिशियन के हिसाब से ये पेपर में लिखा है. अमुक ऐसा है, अमुक तैसा है, किसी का इंग्लिश से भी हो जैसे भी हो, वो लिखा तो पॉलिटिकल के लेवल में लिखा है वो. तो इसलिए हमारे दिमाग, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो बारे में ऐसा में भी हम लोग को जो छोटा छोटा जनजाति जो ट्राइबल्स में क्या हुआ नहीं हुआ बोलने का कोई अधिकार नहीं है उनका, क्योंकि जो भी है हम लोग यहाँ का जैसा चलता है उसी में भी चल रहा है. जैसे कि कोई किसी का पॉलिटिकल का बारे में हम लोग कभी भी बात नहीं होता है, कोई किसी को ख़राब को भी हम लोग नहीं बोलता है, कोई किसी को हम लोग अच्छा खराब बोलने का नहीं है. लेकिन यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन को मैटर में हम लोग जहाँ तहाँ जाता है, इतना कुछ कोई किसी को अभी का सीएम साहब ऐसा खराब व्यवहार करा व कुछ अच्छी तरह से उसका नियत ठीक नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सुना है. लेकिन दिगंतो दास जैसे लिखा है इसमें तो लिखा है कि वो लोग ऐसा है, हमारा सीएम साहब पिस्तौल लेके घूर रहा है व उसका जो पहले का जो सरेंडर का हिसाब से अभी काम नहीं करता है, आगे का जो उग्रवादी का हिसाब से काम करता है, ऐसा में भी तो हम लोग को उसको भी सुनने को नहीं मिला. ऐसा तो हमारे जो दिमाग़ों में जितना भी काम हो रहा है, अभी आगे का परिस्थिति अलग था, क्योंकि वो टाइम में DHDJ और DHD रहा. उस टाइम में हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स था. लेकिन जब से हमारे 2009 के बाद में जो सीज़फ़ायर होने के बाद में, एग्रीमेंट होने के बाद में, हमारे यहाँ शांति का माहौल आस्ते आस्ते हो रहा है. इतना कुछ जैसे कि हम लोग मिल मिलाप करके सब जाति जनजाति लेकर के हम लोग यहाँ का जो निवासी लोग है प्रगति के रास्ता देख रहा है,
प्रगति के रास्ते में हम लोग चलने के लिए सब भी दिख रहा है। तो यहाँ का जो सीएम साहब खराब है अच्छा है तो पब्लिक ही मालूम है, दिगंतों तक वहाँ बोल के कैसे मालूम हुआ है, ऐसे मालूम होने की बात ही नहीं है। इसलिए मेरा तरफ से यही कहना है, हम जाति का नाइश हो सोम दिमाशा एपेक्स बड़ी का तरफ से दिगंतों डांस का ऐसा कुछ बोलने का कोई हक नहीं है कि यहाँ का क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ में जो बहुत सारे जर्नलिस्ट है सब कुछ लिख सकता है, सब जानकारी है, हम लोग बराबर जर्नलिस्ट के सामने हम लोग बात होता है। तो दिगंतो दास कौन है जो ऐसे में भी लिखने वाला, इसलिए जो भी दिगंतो दास ने लिखा है वो तो हम लोग मालूम नहीं है, यहाँ उसके साथ हम लोग बात भी नहीं करा है, कोई भी किसी के साथ में हम लोग दिगंतो उमुख है बोल के हम अभी तो हम जैसे कि हम जब से प्रेसिडेंट बना वर्किंग प्रेसिडेंट हम किसी के साथ बात नहीं हुआ। इसलिए दिगंतो जितना भी बोला सब झूठ है और ऐसा में भी बोलने का कोई हक नहीं है। हम लोग का जो छोटा छोटा जनजाति है उन लोगों को लेकर के ऐसे करने का उसका कोई हक नहीं है। Hakmausa detailing the present situation warned that no one should poke his nose into the matter of tribal communities living in the district of Dimahasa, since we have established the very lasting peace in the district by maintaining brotherhood relation among us. जिस पेपर में जो दिगंतो दास ऐसे लिखता है उसमें तो हम लोग को दिगंतो दास अगर जो भी यहाँ का निवासी है, यहाँ का जो लोकल है उस हिसाब से अगर जो भी यहाँ का जो इतना इंटरेस्ट है दिमाहासो के बारे में इतना लिखने का जो इंटरेस्ट है वो दिमाहासो में नहीं बैठ करके गुवाहाटी में बैठ के यहाँ का जो परिस्थिति के ऊपर में कैसे जानकारी हुआ, और जो भी किया है अपना इंटरेस्ट के लिए किया है दिगंतो दास ने, जैसे कि वही खेल रहा है, जैसे कि यहाँ का पॉलिटिकल बोलिए यहाँ का पब्लिक या यहाँ का जो इन्वायरमेंट ख़राब करने के लिए वही कोशिश कर रहा है ऐसा लगता है। क्योंकि दिगंतो दास कौन है हम लोगों से ऐसे में भी लिखने वाला, वहाँ के सीएम के बारे में लिखने वाला, यहाँ का पॉलिटिकल के बारे में जानकारी लेने वाला वो कौन है, आकर के बात करिए। वो अपना से कि हम लोग जनजाति के ऊपर में ऐसा में भी ऑर्गेनाइजेशन 19 ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, यहाँ पर जनजाति तो यहाँ में ठहरा तो ही है। इसलिए जो भी है दिगंतो दास ने एकदम हमारे दिमाग को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है, इसलिए दिगंतो जैसा माफी कभी भी ऐसा बात मत करिए, और दिगंतो ऐसा माफी हमारे दिमाग को ऊपर में नज़र मत रखिए। आप जहाँ भी रहिए वहाँ अपना काम करिए, यहाँ का बारे में कभी भी एक भी सवाल मत कीजिए और पेपर में भी मत लिखिए, इस तरह से हमारे दिमाग को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। Robert Zemi, President Zemi Council, while supporting the working president of Jadike Naisho Hashom, said, "We want to live in peace along with our tribal and non-tribal brothers and sisters of Dimahasao as before. No person should be allowed to create disharmony in the name our communities among us spreading misfortunation for this selfish motive." ये 100% राइट है, जो पक्का 100% है। यू डोंट नो हु इज दिगंतो, दिगंतो को हमको मालूम नहीं कि दिगंतो कहाँ का आदमी है, कहाँ में रहने वाला है, हमको बिल्कुल मालूम नहीं। और दिगंतो से हमारा दिमाहसाओ डिस्ट्रिक्ट को चलाने की कोशिश करनी चाहिए तो बिल्कुल होगा ही नहीं। कि तू दिमाहसाओ में डिस्ट्रिक्ट में चलाना है, यहाँ दिमाग डिस्ट्रिक्ट सब मालूम है। वो दिगंतो कौन कहाँ कहाँ रहना वाला दिमाग सब डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए तो कोशिश करता है, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा। इसलिए दिगंतो तो हम लोग सुना है कि ये तो ऐसे मतलब रिपोर्टर आदमी, वो रिपोर्टर आदमी कैसे करके दिमाग सब डिस्ट्रिक्ट में बारे में तो पेपर में तो लिख नहीं सकता, तो अपना हिसाब से लिखो अपना पेपर का हिसाब, मतलब अपना क्या बोलेगा जानकारी के हिसाब से आप लिखो, अपना मीडिया चला तो मीडिया के हिसाब से आप लिखो। इसलिए हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि और मानेगा भी नहीं, वहीं से गुवाहाटी से बैठ के यहाँ दिमाशोर डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्शन देगा तो कोई बिल्कुल मानेगा नहीं। और प्लस हम देखा है कि अभी कोई मेमोरेंडम भी प्रिपेयर करता है, वहीं में लिखा है कि
जेनिस भी जेनिस का नाम है, जेमी कॉन्स का नाम है, जेमी स्टूडन का नाम भी है, लेकिन क्यों बिना हमारा नॉलेज में बिना हमारा कॉन्सर्न में एक मेमोरेंडम लिखा है तो भी बिल्कुल हम नहीं मानेगा इतु। इसलिए जैसे कि अभी हमारा जेनिस के प्रेसिडेंट से बोला है और हमारा तरफ से भी बोला है तो बिल्कुल नहीं मानेगा। बाहर का आदमी कहाँ में बैठ के एशियर में बैठ के हम लोग यहाँ में दिमाशो में धूप के नीचे में पानी के नीचे में काम करना वालों को उधर से कंट्रोल करेगा हमसे तो इतना बिल्कुल नहीं मानेगा। थैंक यू। कुछ इससे घर से तो हमें पूरा सुविधा असुविधा हो जाएगा ना हमें ना, हमको भी बुटनाम हो जाएगा, जेनेस को भी बुटनाम हो जाएगा, मार इंग भी बुटनाम हो जाएगा, कुकी इंग भी बुटनाम हो जाएगा। तो हम लोग कंसर्न में है तो दिन रात मतलब यहाँ का अपेक्स बॉडी भी कॉन्टैक्ट करा है बोला, कोई दिन हमको कॉन्टैक्ट करा, कोई दिन जेनेस को कॉन्टैक्ट करा, कोई दिन मारे इंप्रूव कॉन्टैक्ट करा नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो देखो तो कोई भी कुकुर नहीं भी मालूम नहीं, अभी तक तो हमको कोई फ़ोन भी नहीं है, हमको इसका चेहरा देखने को छोड़ा लेकिन इसका आवाज़ भी नहीं सुना हम अभी। ये दिगंतो दास ने जो पेपर लिखा है इसमें जनजाति का बारे में लिखा है, जो जनजाति है हम लोग सब मिल मिलाप करके अभी का टाइम में जो हमारे जो जितना भी जनजाति का एपेक्स बॉडीज है हम लोग एक साथ में जो भी मेमोरेंडम देता है जो भी काम करता है सब एक साथ में करता था। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है जो दिगंतो दास ने जो लिखा है वो हिसाब से देखा गया कि दिगंतो दास ने हम लोग को साथ में बदनाम करके एक खराब माहौल बनाने की कोशिश में है, ऐसा हमको जानकारी होता है इस ये पेपर देखने के बाद में। क्योंकि पहला थोड़ा 10-15 साल आगे में हम लोग को थोड़ा दिक्कत था कि एक साथ नहीं मिलता था, लेकिन अभी का जो माहौल है हम लोग को शांति वातावरण बनाया है उसमें हम लोग सब एक साथ में मिल मिलाप करके डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू हुआ है। तो ये चीज़ को दिगंतो दास ने हम लोग को उल्टा पलटा करने की कोशिश की ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ का जो CM, यहाँ का जो अभी का जो गवर्नमेंट जो अच्छी तरह से सब सब साथ में मिलजुल के सब जाति का सब जनजाति के साथ में मिलजुल के काम करता है कि इसमें दिगंतो दास ने तो पॉलिटिकल माइलेज कुछ एक तो वातावरण खराब करके हम लोग को जनजाति के अंदर में कुछ झगड़ा जाति करने का कोशिश ऐसा लगता है हमको। देखिए शांति पहला जो अशांति रहा उस अशांति को हम लोग शांति में लाने के लिए सब जनजाति मिल के कोशिश किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को दिमाशा एफेक्ट बॉडी की तरफ से दोनों जो क्लैश हुआ था उसको बाद में हम लोग को मिल मिलाप करवाया, मिल मिलाप करवाने के बाद में एग्रीमेंट तो साइन कराने के लिए हम लोग सब व्यवस्था किया, तो उसमें जितना भी काम किया तो हम लोग ही किया है अच्छाई के लिए जो किया है। उस टाइम में सुना कि दिगंतो दास जो था वो भी एक पार्ट में रहा, दिगंतो दास एक पार्ट लिया था, उन्होंने बहुत सारे लिखा है कि शांति का माहौल आया है, शांति का माहौल बनाया है, उसका भी हाथ है, ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ उसके अंदर में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद में जब अभी का जो CM बना है उसमें भी लिखा है कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा होगा, शांति का माहौल बनेगा। फर्स्ट टाइम का बात है, सेकेंड टाइम जब जीता है उसमें भी दिगंतो दास ने बोला है नंदिता गर्लोसा जी जो अभी तो एजुकेटेड है और कौन कौन जो अभी का CM साहब भी अच्छा काम कर रहा है, ऐसे समय पर बोल रखता है। अभी का टाइम में जो उल्टा जो बोल रहा है तो दिगंतो तो शायद